तो ले जी थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी। और जी आज की नई वीडियो शुरू हो रही है 3 दिन के बाद प्रॉपर तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे लिए ढेर सारी दुआएँ भी करते रहें। तो जी आज हम वीडियो यानी कि शुरू कर रहे हैं आज के खाने की रूटीन से, क्योंकि दोपहर हो शाम होने वाली है, दोपहर से भी आगे टाइम निकल गया। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और उसमें टिंडे ऐड करूँगी। हाँ जी, 2-3 टिंडे जी बेगम साहब ने बचा के रख लिए थे जी, अच्छी बनती है ना, तो चने की दाल में 2-3 वो भी ऐड कर देंगे जी। और साथ में क्या बनाना है? तंदूरी की रोटी बनानी है मेरे लिए, देना 1-2 चपाती बनाना तवे वाली, ठीक है ना? मेरे लिए 1-2 चपाती बना के देना, बिल्कुल बारीक ना, ठीक है। और बच्चे जी यहाँ पर खेल रहे हैं, ऐशा हमना कबीर हदीका नीचे पढ़ रही है, आग आपके सामने जल चुकी है। बेगम साहिबा ने ना बस ये सफाइयाँ वगैरह यहाँ से कर ली हैं और अपने काम की तैयारी में मसरूफ़ हैं। और कुछ मंगवाना तो नहीं है? चलें ठीक है। और इस वक्त जी टाइम हो चुका है तकरीबन 4 बज चुके हैं, है ना? मैंने कहा ना शाम का टाइम। हाँ जी 4 बज चुके हैं और हमारे खाने की तैयारी हो रही है। और अभी तक ना हाँ जी अभी तक यहाँ पर जो है ना चार पे ही रख के बेगम साहिबा बैठी रही हैं, बच्चे बच्चे भी खेलते रहे हैं इस जगह पर, क्योंकि इस तरफ तो धूप होती है दूसरी साइड पर। और इसके अलावा जी मैंने तो आज दूध लेने भी नहीं जाना, क्योंकि कल मैं विलेज से आया था ना पानी वगैरह लगा कर बगीचे को, तो वहाँ से मैं दूध वगैरह भी उठा के ले आया था। आज का दूध है पड़ा हमारे पास, तो कल उठाना पड़ेगा दूध। हम ना उसको बेटा तंग नहीं करो, मेरा बेटा तंग नहीं करो, उसको तंग नहीं करो, शाबाश नहीं करो तंग, हम ना छोड़ दो उसको, तंग नहीं करो। हाँ छोड़ दिया, हट जाओ हट जाओ, आग के साथ नहीं खेलो, आग के साथ नहीं खेलो, हट जाओ, उठा के इसको दूर बिठाओ। शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश 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 मेरे कमाऊ पुत्र, मेरे कमाऊ पुत्र ही वे, मेरा कमाऊ पुत्र कौन है, मेरा कमाऊ पुत्र कौन है? अच्छा वो तो ठीक है, मुझे जवाब दे, मेरा कमाऊ पुत्र कौन है, जवाब देना, मेरा कमाऊ पुत्र कौन है? हाँ हमाऊ हमना कमाऊ पुत्र है, इवें था तू मेरा कमाऊ पुत्र है। तो उसको ना असर में लफ्ज़ नहीं आ रहा, उसकी ज़बान पर लफ्ज़ नहीं चढ़ रहा। तो ये लोग जी प्याज वगैरह और लहसुन वगैरह कबीर हमना और हदीका ये लोग ये कर रहे हैं। बेगम साहब ने इसने से चढ़ा दिया, क्या चढ़ाया है? दाल चढ़ा दी है, दिखाओ ज़रा। वाह जी वाह, हमारी दाल जी उबल रही है, उबलने वाली है। हाँ जी बस तैयार होने वाली है। तो लें जी हमारे टिंडे चेक कर लें, माशाल्लाह जैसे टिंडे बिल्कुल ताज़ा हैं। हाँ जी इतना मोटे मोटे थे, मैंने कहा ये नहीं 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 ये तो बिल्कुल फ्रेश ताज़ा आ रहे हैं ना, इतना नरम है ना, जितना इतना मोटे नहीं, ये रेतले इलाके के ना, दरियाई इलाके के, बिल्कुल नरम है, बिल्कुल दरियाओं वाले इलाके के जो जमीन के आते हैं ना वो बिल्कुल नरम होते हैं, क्योंकि वो रेतली जमीन होती है ना, नरम नरम ताकतवर जमीन। हो गई है ना हमारी, उबल गई है, पर थोड़ी सी रह गई, इसलिए मैं टिंडे उसमें डाल दूंगी, तो फिर ये भी उसके साथ थोड़े थोड़े क्या जाए गल जाएंगे। धो लो आप धोगी, हम ना बोल रही है मैंने धोना है, मलना नहीं है ज्यादा, बस ऐसे धो, ऐसे सिर्फ पानी के साथ धोना है, वैसे बाहर से धुले हुए थे ना, बस एक मरतबा और धोना है। ठीक है हो चुकी है, डाल दो खा लो चने की दाल इसको डाल कर दी है ऐशा को, खाओ आप भी खाओ, खा लो। मसाले वसाले जो है ना वो बेगम साहिबा जो है ना मिक्स कर रही हैं, ज्यादा फीकी भी नहीं होनी चाहिए, तेज की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ, मैंने कहा कि दाल चना जो है ना थोड़ी सी उसके अंदर ना बराबर होनी चाहिए, मतलब
कम भी ना हूँ और ज्यादा भी ना हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? तू 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 हम ना तू 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 अब वही टिंडे और चने की जो उबली हुई दाल है तो वो उसी पानी वो जो पानी है उसमें वो पानी भी उसमें ऐड कर दूंगी। तो लें जी इतना सा काम था इतना देर लगी और कब का इंतजार था। माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार हो गया है, बस अब इसे उतारना और इसमें मसाला छिड़कना बाकी है। तो ले जी थोड़ा सा गरम मसाला। हम ना आप क्या शरारतें कर रहे हो? शरारतें नहीं करो, चलो नीचे उतरो। क्यों ये क्यों क्या होता है? बदतमीज बन रही हो आप। हाँ आप बदतमीज बन रही हो। चलो नीचे उतरो, गिर जाओगी। नीचे उतरो फतिका, जाओ बेटा दूध को देखो। ले जी ढक्कन बंद हो गया, अब बारी है जी रोटी की, है ना? आपने तवे की रोटी खानी है। हाँ जी देख लो बना सकती हो तवे की, मैं इसी के ऊपर रख दो तवा। हाँ जी इसी के ऊपर तवा धो के रख। तो लें जी बिस्मिल्लाह हो चुकी है हमारी रोटी की। हम ना सामने से हट जाओ, हम ना सामने से हट जाओ, हट जाओ सामने से हट जाओ। क्यों करते हैं आगे से, हट जाओ। अच्छा जी काफ़ी सारे बंदे ये पूछ रहे होते हैं, कहते हैं कि आप शायद मैदे का आटा इस्तेमाल करते हैं। जी हम मैदा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, ये प्योर आटा है, इसके अंदर से कोई चीज़ ना निकली हुई है ना इसके अंदर कोई चीज़ ऐड की हुई है, यानी कि नमक और पानी के अलावा की बात कर रहा हूँ। नमक पानी तो ये प्योर गंदम का आटा है, कोई चीज़ भी इसके अंदर हमने ऐड नहीं की हुई, ना ही इसके अंदर से मैदा निकला हुआ है, ना इसके अंदर से सूजी निकली हुई है, कुछ भी नहीं, ये प्योर आटा है। जितने वो क्या कहते हैं विटामिन वगैरह होते हैं, वो जितने भी इसके अंदर जी वो ताकत वाली चीज़ें जो आप लोग बोलते हैं, जो नाम तो हमें नहीं आते, बहरहाल ये चीज़ें निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें से निकालते हैं। हाँ जी तो इसके अंदर से कुछ नहीं है, खुद अपने घर का जो गंदम होती है ये वही गंदम, और सीधा हमने इसको साफ करना होता है मट्टी वट्टी से झाड़ वाड़ के साफ सुथरा धो के, तो उसके बाद जाके खुद ही पिसवा लेते हैं। नॉर्मल चक्की से पिसा हुआ ये आटा। असल में वो लोग कह रहे होते हैं कि आप लोग इतनी रोटी बढ़ा कैसे लेते हैं, ठीक है ना? तो मकसद ये होता है, तो रोटी बढ़ाने प्रैक्टिस की बात होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी और तो आटा भी अच्छी तरह से गूंदा हुआ सही हो। हाँ जी आटा अच्छी तरीके से गूंदा हुआ हो और प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ा, यानी कि क्योंकि बार बार काम करने से बंदे को तजर्बा हो जाता है। तो लें जी हमारी रोटी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। रिजल्ट कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता, तो बेगम साहिबा ने जी तवे की एक दो रोटियां बना ली हैं आपके लिए जो कि मैंने खानी है, और बकिया बनाएगी बेगम साहिबा जी तंदूरी के ऊपर। हम ना ये क्या कर रही हो? हम ना उसको उठाने की कोशिश कर रही है ताकि कहती है कि वो मेरे ऊपर ना सो जाए, लेकिन वो ऐशा है आगे से, ऐशा उसकी बात ही नहीं सुनती। हम ना क्यों तंग कर रही हो उसको, छोड़ दो।
हम ना उसको कहती है कि मेरे ऊपर मेरे ऊपर सो जाओ, हम ना कहती है उसको। वो अभी छोटी है मेरे बेटा, अभी छोटी है। क्या हुआ ऐशा? ऐशा क्या हुआ? हो मार रही है आपको, झगड़ा कर रही है आपके साथ? चलो यार खत्म करो अपने काम को। बस खत्म हो गया। ये चावल ऐशा के लिए? हम ना भी खाएगी। चलो ठीक है, आप भी खाना। ठीक है बाबा, चावल है यार, चावल ऐशा की और आपके। आपने खाने नहीं है? आप खाओगी ना? हाँ जी। तो माशाल्लाह जी, अब है जी हमारे सालन की बारी। तो हमारी जी चने की दाल और टिंडे तैयार हो गए हैं जी। अब है जी हमारी खाने की बारी। किस किसने खाने हैं? किस किसने खाने हैं? मैंने खाने हैं। ऐशा, ऐशा आपका चावल भी बन रहे हैं। वो कहती है मैं सालन खाऊं। ऐशा मैंने चावल बनाए हैं उसके लिए। ऐशा चाहती है कि मैं जो है ना सालन खाऊं। ये रोटी रोटी इसको पसंद नहीं है, इसको सालन ज्यादा पसंद है। रुको 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 रुको, ऐशा भाग रही है। ऐशा कहाँ भाग रही हो? गरम है मेरा बेटा, गरम है, गरम है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? गरम है, खाओ। वो कहती है मैं अपने हाथ से खाऊं। वो कहती है मैं अपने हाथ से खाऊं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है। वो मुझे नजर आ रही है अच्छी बनी हुई, क्योंकि टिंडे और दाल, टिंडे दाल तो बेहतरीन बनते हैं। ऐसा आप बताओ कैसी बनी हुई है? अच्छी है ऐसा? अच्छा बताओ कैसी बनी हुई है? टिंडे खाए थे। हाँ ये देख, चूस रही है अपने हाथों, अपने हाथ को चूस रही है। तो बस ठीक है, वीडियो खत्म कर रहे हैं इधर ही। हाँ जी, बस यहाँ हो गया, खाना भी तैयार हो गया। तो बस ठीक है जी, ये वाली छोटी सी वीडियो थी, बस खत्म कर रहे हैं इधर ही। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो पहले करने लग जाती है। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह उसे पता चलता है ना।